दोस्तों, हम जानते हैं कि इस समय फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर भारत आई हुई है और उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से भी डिटेल में चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस समय उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया डिफेंस को लेकर और साथ ही इंडो पैसिफिक को लेकर। ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। कहने का मतलब, भारत से ज्यादा आतुर फ्रांस दिखाई दे रहा है अपनी बराकुडा क्लास की सबमरीन भारत को देने के लिए, यानी भारतीय नेवी के लिए, जो 6 की संख्या में प्रोजेक्ट 75 अल्फा के जरिए हमें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चाहिए, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फ्रांस बिल्कुल तैयार बैठा, ये आप मान लीजिए। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है ऑकस संगठन। आपको याद होगा, पहले फ्रांस ने डील की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसके तहत 12 की संख्या में उसे सबमरीन बनाकर देनी थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, और ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि ये 12 जो सबमरीन फ्रांस देने वाला था ऑस्ट्रेलिया को, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं थी, ये कन्वेंशनल सबमरीन थी, यानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जिसकी संख्या होती 12, ये फ्रांस ने देनी थी ऑस्ट्रेलिया को, और इसके लिए समय लिया जा रहा था 12 साल का। 12 साल में 12 सबमरीन्स डिलीवर की जाएंगी टोटल, और इसके लिए कॉस्ट कितना था मालूम है आपको? $90 बिलियन। जी हाँ, $90 अरब 12 सबमरीन्स के लिए। कहने का मतलब, इससे ज़्यादा कोई चीज़ महंगी हो ही नहीं सकती जो इस दुनिया में मौजूद है। फिर वो चंद्रमा से लाए गए पत्थर हो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस धरती पर तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो इतनी महंगी हो। तो जो ऑकस संगठन में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डील तोड़ते हुए यूके और यूएसए के साथ डील की है, उसमें ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा गलती आप नहीं कह सकते। तो फ्रांसीसी लोग काफ़ी समय ले रहे थे, पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे थे, और न्यूक्लियर पावर सबमरीन दे ही नहीं रहे थे। और वहीं बात की जाए ऑकस की, तो यहाँ पर उन्हें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिल रही है, यानी कम से कम 30 से 35 साल उसे रिफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं होती। और SSN तो SSN हो गई, कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में उसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ये पानी की एकदम गहराई में जाकर बिल्कुल कम से कम आवाज करके बड़ा ही शानदार अटैक करने में माहिर होती है। अब हमें भी इसी तरह की सबमरीन चाहिए, हमें भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन नहीं चाहिए, उसके लिए अलग प्रोजेक्ट है, वो हम लोग हमारे खुद के बूते भी तैयार कर सकते हैं। और हमने प्रोजेक्ट 75i के जरिए ऑलरेडी सबमरीन की डील करनी ही है। अभी उसके लिए चूंकि कोई भी हमारे पास फॉरेन पार्टनर नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि DRDO को, तो भारत के जो शिप बिल्डर्स हैं उन्हीं को दारोमदार सौंप दिया गया है, साथ में प्रोजेक्ट 76 के लिए भी सौंप दिया गया है, तो वो 2026 तक शुरू हम लोग कर देंगे। लेकिन इस बार बात की जाए स्पेशली SSN की रिक्वायरमेंट को लेकर, जिसके तहत 6 की संख्या में हमें SSN चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि इस समय भारत के पास एक भी SSN नहीं है। और हमें केवल SSN नहीं चाहिए बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तब जाकर हमारा प्रोजेक्ट 75 अल्फा कंप्लीट होगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि फ्रांस को चूंकि $90 बिलियन का नुकसान हो गया, उसके सबमरीन की डील कैंसिल हो गई, और कहीं ना कहीं से उसे ये रिकवर करना है, इतना अमाउंट उसे हर हाल में रिकवर करना है, तब जाकर वो बराबर होगा, वरना अभी तक तो उसे ऐसे ही लग रहा है कि मुझे बहुत लॉस हो गया है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि भारत से ज़्यादा फ्रांस इस समय तैयार है भारत को सबमरीन देने के लिए, यानी भारत को जितनी जल्दी नहीं है उससे ज़्यादा फ्रांस को जल्दी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या भारत इन्हें खरीद पाएगा, क्योंकि अगर नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स इतनी ज़्यादा महंगी प्रोवाइड करवा रहा है फ्रांस, तो फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स की सोचिए आप कितनी ज़्यादा महंगी होगी। और मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के द्वारा जो न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाती है दुनिया में बेस्ट होती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज के जो न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो बनाने में फ्रांस को एक्सपर्टीज़ है, दुनिया में कोई भी उसे मैच नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, जिसमें मैंने इन्फ्लुएंस की अवधारणा के बारे में आपसे बात की थी। अमेरिका चाहता है कि फ्रांस, भारत और अमेरिका, ये तीन देश मिलकर एक इन्फ्लुएंस संगठन बनाए, ये बिल्कुल ऑकस जैसा ही होगा, और इसके तहत फिर फ्रांसीसी सबमरीन भारत के लिए निर्मित की जाए, ताकि भारत की SSN की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और वो चाइना पर एज दे पाए। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी महंगी पड़ने वाली है। अगर कितना भी हम लोग कम कर लें, कितना भी कम कर लें, तो $50 बिलियन हमें हर हाल में पे करने होंगे 6 सबमरीन्स के लिए। और अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसमें बात की जाए, तो फिर ये आंकड़ा $60 बिलियन तक भी जा सकता है। अब ये कितना हो गया, इसको अगर हम लोग काउंट करने की कोशिश करें या कंपेयर करें हमेशा की तरह, तो जो हमारा INS विक्रांत था वो $3 बिलियन भी पूरा नहीं लिया और पूरा हो कंप्लीट हो गया। यानी $3 बिलियन में हमें INS विक्रांत पड़ा, लेकिन 6 सबमरीन्स के लिए हमें खर्च करने पड़ेंगे कम से कम $60 बिलियन। वैसे ऐसा भी नहीं है कि कोई और देश हमें ये चीज़ प्रोवाइड करवाएगा तो हमें बिल्कुल पानी के भाव प्रोवाइड करवा देगा, नहीं, हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो SSN जो लीज पर लेते हैं रशिया से उसके पे करते हैं। तो डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी के साथ अगर हमें SSN मिलेगी, वो भी वर्ल्ड की बेस्ट, तो डेफिनेटली इतनी प्राइस देनी पड़ेगी। लेकिन क्या अभी हम लोग इसके लिए तैयार हैं, इतना हम लोग क्या अफोर्ड करते हैं? क्योंकि हम लोग जितना स्पेंड 6 सबमरीन के लिए करने वाले हैं, उतना तो हमारा साल भर का तीनों ही सेनाओं का बजट होता है।
तो कहने का मतलब राहें बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। SSN लेंगे, इस तरह की चीज़ें बोलना बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल।